जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के बाद देखे सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है और इस बार आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को है शुभ संयोग प्रारंभ हो रहा है। आषाढ़ मास की पूर्णमासी है, उसके बाद से देखे सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा और 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको संतान प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के भी और धन आर्थिक क्षेत्र में लाभ के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां अवश्य रखनी होंगी और साथ ही जो चैनल में उपाय बताए जाते हैं तो उसको भी अवश्य किया करें ताकि आपके जो योग है वो प्रबल हो सके और जिस कार्य में आपको रुकावट आ रही है उसमें आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, 9 भाग्यशाली राशियों पर देखिए भगवान शंकर की विशेष कृपा होने वाली है, उनको पुत्र धन प्राप्ति के बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहे। साथ ही दोस्तों, ये जो हम राशिफल बताते हैं ज्योतिष के अनुसार है, जन्म की राशि पर इनका प्रभाव अधिक रहता है। आप अपने प्रचलित नाम से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इन 9 भाग्यशाली राशियों पर गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होने जा रही है जिनकी कृपा से इनको संतान प्राप्ति के, विद्या के, धन के बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही दोस्तों, इनके देखिए बुध और मंगल, सूर्य और शुक्र की भी विशेष कृपा रहने वाली है जिसके कारण अलग अलग राशियों पर इनका अलग अलग प्रभाव रहने वाला है। दोस्तों, इसकी जानकारी जो हम दे रहे हैं देखिए ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। अगर आपकी कुंडली में जो ये गुरु बुध और मंगल का अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो आपको निश्चित ही बहुत शुभ संयोग सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इन 4 महीनों में आपको निश्चित ही पुत्र धन की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, कई बार देखिए एक ही राशि के बहुत से जातक होते हैं जिन पर जो हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो हम राशिफल बताते हैं उसका जो प्रभाव है देखिए अलग अलग पड़ता है। कुछ हमारे गुण स्वभाव के ऊपर भी डिपेंड करता है और सबसे अच्छा जो आपकी कुंडली से उससे विश्लेषण से पता लगता है कि आपको संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के जो श्रेष्ठ योग हैं कब बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों, ये जो हम राशिफल बता रहे देखिए ज्योतिष के अनुसार है तो जन्म की राशि पर इनका प्रभाव अधिक है, तो आप अपने जन्म की राशि से अवश्य अपना राशिफल देखा करें। और साथ ही दोस्तों, अगर पति पत्नी दोनों की राशि में ये योग बन रहा है तो उनको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। अगर एक की राशि में नहीं बन रहा तो उसको उपाय अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, इसमें जो भाग्यशाली राशि है सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के देखिए पराक्रम भाव के अंदर बुध मंगल गुरु बृहस्पति मृतता के भाव से देख रहे हैं तो इनको बहुत ही श्रेष्ठ आय में वृद्धि के योग बनेंगे, मनोकामना पूर्ण होगी, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और साथ ही देखिए भगवान शंकर की कृपा से इनको पुत्र धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दूसरी जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक में देखिए द्वितीय भाव में मंगल बुध नवम पंचम योग बना रहे जिसके कारण इनको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, नौकरी में आय में वृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही देखिए अगर कोई मानसिक तनाव अगर आपका कोई चल रहा है तो वो भी आपका कम होने वाला है, जिस कार्य में आपको रुकावट चल रही थी वो भी दूर होने वाली है। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को देखें मानसिक चिंता दूर होने वाली है, जिस भी कार्य में रुकावट चल रही थी तो वो बहुत ही जल्द दूर होने वाली है। आगामी 4 महीने आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं, समाज में यश मान प्रतिष्ठा सुख समृद्धि और आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही आपको देखें संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए भी देखिए दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, धन से संबंधित आर्थिक क्षेत्र में जो दिक्कत चल रही थी वो भी दूर होने वाली है, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, साथ ही आपको भी संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए देखिए पंचम भाव में आकाश में धन लाभ के योग बने हुए, कार्य में जो रुकावटें चल रही थी वो भी दूर होंगी और कर्ज की स्थिति से राहत मिलेगी, संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है, भौतिक सुख प्राप्त होंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र में वृद्धि का योग बनेगा, भूमि वाहन जमीन जायदाद खरीदने के योग बनेंगे। अगर आप इस क्षेत्र में कोई खरीदना चाहते हैं बहुत समय से तो यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आगामी 4 महीने आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपको भी संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए भी देखिए धन की जो रुकावट चल रही थी उसे छुटकारा मिलेगा, कुटुंब में जो मतभेद है वो भी दूर होंगे और साथ ही यश सम्मान में वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों के लिए देखिए मेहनत के अकॉर्डिंग 100% रिजल्ट मिलेगा, कर्म क्षेत्र में 100% आपको जो आप मेहनत करेंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी।
धनु राशि के जातकों के लिए भी आगामी 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा, साथ ही संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी मानसिक टेंशनें दूर होने वाली हैं। अगर कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल से अगर कोई आपका खर्चा चल रहा है तो वो भी दूर होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के योग बने हुए, साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। आगामी 4 महीने आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, साथ ही आप कि अगर कोई विशेष मनोकामना जो अधूरी रह गई है तो वो जल्द पूरी हो सकती है। साथ ही आपको संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे और थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। अगली भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए नए आय के स्रोत बनेंगे, यानी एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे। फिजूल खर्ची कम होंगे और आपकी कोई मनोकामना है जल्द ही वो पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। मीन राशि के जातकों को छोटी छोटी बीमारियों में अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। अगर कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है तो वो वापस आने के योग बने हुए हैं। श्रेष्ठ धन लाभ के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ गुरु बृहस्पति की आपके लिए विशेष कृपा होने वाली है। संतान की तरफ से क्या आपको शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय व्यतीत होगा। दोस्तों ये 9 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए संतान प्राप्ति के तो पूर्ण योग हैं और साथ ही पुत्र प्राप्ति के, धन प्राप्ति के, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। यानी आपको आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के यानी आय के साधन के बहुत अच्छे योग प्रदान करने वाले हैं। इस समय का आप भरपूर लाभ उठाएँ। साथ ही दोस्तों जो 3 राशियाँ हैं कर्क, तुला, मकर, इन राशि वालों को धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के योग बने हुए हैं, परंतु संतान प्राप्ति में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। अगर ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही इनको भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ ही देखिए सावन का महीना आ रहा है, बहुत ही श्रेष्ठ भगवान शंकर का मास माना जाता है। अगर इस महीने में भगवान शंकर की पूजा करेंगे तो निश्चित ही इनको भी संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनेंगे। लेकिन प्रबल योग थोड़े से कम है तो इसीलिए हमने 9 भाग्यशाली राशियों को बताया जिनके योग प्रबल बने हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप जो हम चैनल में उपाय बताते हैं तो उनको भी अवश्य किया करें। और देखिए साथ ही 26 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है तो बहुत ही श्रेष्ठ भगवान शंकर की कृपा से आपको पुत्र, धन, नौकरी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो आप सावन के महीने में शिव जी का पूजन अवश्य ही करें, साथ ही साथ गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति की पूजा अवश्य ही करें, केले की पूजा अवश्य करें तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी और आपके दाम्पत्य जीवन में सुखमय अवश्य व्यतीत होगा। अगर आपके पति पत्नी में मन मुटाव चल रहे तो वो भी दूर होंगे और साथ ही आपको संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। दोस्तों अगर सम दिन के साथ सम तिथि का प्रयोग करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होती है और अगर आप विषम दिन के साथ विषम तिथियों का प्रयोग करते हैं तो कन्या की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई